आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब घोटाले में बंद मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब घोटाले में ईडी की जांच के घेरे में बीआरएस की नेता कल होने वाली ईडी पूछताछ से पहले जंतर मंतर पर अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीआरएस प्रदर्शन करेगी जिसमें कई विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे। इन दोनों खबरों पर आज हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, लेकिन शुरुआत करेंगे सिसोदिया से जुड़ी खबर के साथ। तो शराब घोटाले पर दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर पोस्टर अटैक किया है। बकायदा दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें सत्येन जैन और मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर एक और आरोपी नंबर दो बताया गया है। अरविंद केजरीवाल को इसका सरगना बताया गया है। ये वही पोस्टर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसमें सत्येन जैन और मनीष सिसोदिया दिखाई दे रहे हैं। पहले भी इस तरीके का पोस्टर वॉर बीजेपी की ओर से किया जा चुका है जिसमें केजरीवाल और सिसोदिया को दिखाया गया था। एक बार फिर से उसी अंदाज में एक और पोस्टर जारी किया गया है, लेकिन ये छह तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। एक रिपोर्ट के जरिए जानिए कि अब तक क्या कुछ हुआ है। सिसोदिया एक बार फिर संसद में, सीबीआई के बाद अब ईडी की बारी। 8 घंटे सवाल, फिर सिसोदिया गिरफ्तार। आज जमानत मिली तब भी रिहाई मुश्किल। न आम आदमी पार्टी की आफत खत्म हो रही है और न ही दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को राहत मिल रही है। शुक्रवार यानी आज मनीष सिसोदिया केस में स्पेशल सांसद कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई है और ठीक एक दिन पहले ईडी ने न केवल उनसे कई घंटे तक पूछताछ की बल्कि शराब घोटाले में उनको गिरफ्तार भी कर लिया। आप नेता ईडी की इस गिरफ्तारी को लेकर खासे खफा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। दरअसल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी उनको परेशान करना चाहती है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करना चाहती है और मनीष सिसोदिया को जेल में रखना उनका मकसद है, मनीष सिसोदिया का उत्पीड़न करना उनका मकसद है। सीएम अरविंद केजरीवाल को भी शक है कि लंबे वक्त तक सिसोदिया को जेल में रखने के लिए ही ये साजिश रची गई है। उन्होंने ट्वीट किया, आज सुनवाई में मनीष रिहा हो जाते लेकिन इनका मकसद उनको जेल में रखना है, इसलिए हर रोज नए फर्जी केस उनके खिलाफ दर्ज किए जा रहे हैं। उधर इन सियासी आरोपों से पूरी तरह बेपरवाह ईडी तेज रफ्तार में अपना काम कर रही है। आज ईडी कोर्ट के सामने एक याचिका मूव करेगी। ईडी सिसोदिया का प्रोडक्शन वारंट हासिल करने की कोशिश करेगी। वारंट इश्यू होने पर सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने 22 अगस्त 2022 को शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। सिसोदिया पर आरोप है कि 2021-22 में शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने और दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से शराब व्यापारियों को साठ घाट करने का मौका दिया और कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया, जिसके लिए कथित रूप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अब ईडी मनीष सिसोदिया से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पूछना चाहती है। ईडी ने सिसोदिया से 3 बार पूछताछ करने की इजाजत मांगी लेकिन दूसरे राउंड के पूछताछ के बाद ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर सिसोदिया ने भी गिरफ्तारी के तुरंत बाद जेल से शिक्षा राजनीति और जेल नाम से ओपन लेटर लिखकर सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। सिसोदिया ने लिखा कि बीजेपी लोगों को जेल में डालने की राजनीति कर रही है जबकि हम बच्चों को पढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। सिसोदिया ने लिखा कि एजेंसियों पर दबाव बनाकर लोगों को जेल में डाला जा रहा है। देश जेल भेजने से आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि शिक्षा से आगे बढ़ेगा, क्योंकि विरोधियों को धमकाना या जेल भेजना आसान है जबकि स्कूल कॉलेज खोलना मुश्किल काम है। पंकज जैन के साथ मनीष पांडे, आज तक।
संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं, जबकि तिहाड़ जेल के बाहर से मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय आपका रुख करते हुए, कितने बजे ये सुनवाई होने वाली है और अगर इसमें उनकी अर्जी को मंजूरी मिल भी जाती है तब भी वो जेल में ही रहेंगे ना? ये अभी मेरा ये मानना है कि सुनवाई तो इनकी जो पेशी होगी वो 2 बजे के बाद होगी। सीबीआई के सूत्र और ईडी के सूत्र तो ये बता रहे, अदालत के सूत्र भी यही बता रहे कि 2 बजे के बाद होगी, लेकिन इसमें इसके चांसेस बहुत कम है कि मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर आएंगे, क्योंकि ईडी को ही हिरासत मिलेगी और ईडी की हिरासत को लेकर ही ईडी की जो अर्जी है हिरासत में लेने की, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईडी को 10 दिनों की हिरासत मिलती है मनीष सिसोदिया की, 5 दिनों की, 7 दिनों की, ये इस पर निर्भर करेगा कि क्या क्या टास्क ईडी बताती है कि इन दिनों में क्या क्या करना है। हालांकि सूत्र तो ये बता रहे हैं कि वो 14 दिनों की हिरासत मांगेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सीबीआई ने 5 दिनों की मांगी थी, 5 दिनों की हिरासत मिली, लेकिन ईडी के लिए मुश्किल लग रहा है कि वो 14 दिनों की एक बार में ही हिरासत देंगे। वो हो सकता है 5 दिन या 7 दिन की हिरासत दें और फिर देखें कि प्रगति क्या हुई है और बाकी काम क्या रह गया है, इसके बाद फिर आगे अदालत तय करेगी कि आगे हिरासत कितनी कितने दिनों की दी जाए और कितनी कितनी बढ़ाई जाए। लेकिन ये मामला इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईडी के शिकंजे में मनीष सिसोदिया अब फंस चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, अब धीरे धीरे सबूत सामने आएंगे। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास संजय। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर से जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो जेल को लेकर सियासत हो रही है, लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पर सिसोदिया की जान को खतरा है, वहां वो सुरक्षित नहीं है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, इन आरोपों को लेकर अब जेल प्रशासन कितना सतर्क है, साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अब नया, क्योंकि ये सब बातें तो कल हो चुकी हैं। देखिए, जेल प्रशासन तो क्लियर कह रहा है कि जो जेल मैनुअल है, जो जेल के सिस्टम है, उन्हें ही फॉलो किया जा रहा है। जेल नंबर 1 जिनमें मनीष सिसोदिया को रखा गया है वो तिहाड़ जेल की सबसे पुरानी जेल है और उसमें एक सीनियर सिटीजन सेल है, एक 10x15 का जो पूरा सेल है उसमें अकेले रखा गया है। और जेल प्रशासन साथ साथ ये भी कह रहा है कि पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा अपनी जगह पर इंस्टॉल है और लगातार सिक्योरिटी से उन पर नजर रखी जा रही है, इसलिए उनको किसी तरीके का खतरा जेल के अंदर नहीं है, ये क्लियर कर दिया गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि जेल नंबर 1 में कई खतरनाक कैदी हैं और ये साजिश के तहत किया जा रहा है, लेकिन जेल प्रशासन ने क्लियर कर दिया है कि जेल मैनुअल जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है और उसी के अनुसार वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जेल मैनुअल के हिसाब से जेल प्रशासन चल रहा है, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये कहा जा रहा है कि एजेंसियां दबाव में काम कर रही हैं।